समीर वानखेड़े नवाब मलिक और शिवसेना की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को लेकर अदालत पहुंच गए और कहा कि उन पर लगाए गए अपमानजनक आरोप न केवल झूठे थे बल्कि भ्रामक, शरारती और दुर्भावनापूर्ण थे। वानखेड़े का यह बयान तब सामने आया जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के जन्म से संबंधित दस्तावेज ट्विटर पर शेयर किया और लिखा कि जालसाजी यहां से शुरू हुई। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि मेरे निजी डॉक्यूमेंट मेरे अनुमति के बगैर सार्वजनिक किए गए। महाराष्ट्र सरकार के एक मिनिस्टर के पिछले कुछ दिनों से लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाने और मेरे खिलाफ भड़काऊ कमेंट करते हुए माहौल बना रहे हैं। इसकी वजह से मैं, मेरी पत्नी, मेरे पिता सब मानसिक और इमोशनल दबाव में हैं। अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा करते हुए वानखेड़े ने कहा कि मैंने शबाना कुरैशी से 2006 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की और बाद में साल 2016 में कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम आपसी सहमति से अलग हुए। साल 2017 में मैंने क्रांति रेडकर से विवाह किया। इसके साथ ही वानखेड़े ने कहा कि मेरे परिवार और मेरी स्वर्गीय मां का अपमान किया जा रहा है। मेरा पक्ष जाने बगैर ही मिनिस्टर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पिता ध्यानदेव वानखेड़े स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर थे। साल 2007 में रिटायर हुए। उनके पिता हिंदू और मां मुस्लिम थी। वो दोनों अलग कम्युनिटी से आते थे और उनकी मिली विरासत पर मुझे गर्व है। नवाब मलिक शुरू से ही आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई के आलोचक रहे हैं। नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े लॉकडाउन के दौरान दुबई में थे और वह एक जबरन वसूली रैकेट के तहत बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बना रहे थे। नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देते हुए समीर वानखेड़े ने कहा कि वह केवल उस एक ही बात के बारे में सोच सकते थे जब मंत्री से दामाद समीर वानखेड़े को NDPS एक्ट के तहत एक ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था और तब से ही मेरी और परिवार से व्यक्तिगत बदला लेने का यह सिलसिला शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी दिवंगत माँ को टारगेट किया जा रहा है। मुझे गिरफ्तारी का खतरा है क्योंकि यह ईमानदार और निष्पक्ष जांच करने के लिए कुछ निहित स्वार्थों के अनुकूल नहीं है। मैं उन सभी चीजों का सामना करने के लिए तैयार हूं जो कानून में है और स्पष्ट रूप से मेरी बेगुनाही को सामने लाएंगी। यह अदालत निष्पक्ष जांच की पवित्रता को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।